तो यार काफी दिनों बाद एक नई वीडियो, बहुत वेट कर चुका। सोच रहा था पार्क में शूट करेंगे, सिनेमैटिक वीडियो टाइप बनाएंगे, बट काफी टाइम हो रहा है तो एक्सपीरियंस हो चुका है। सारी चीजों को जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, क्या क्या मिला था, क्या मिलेगा और वर्थ है कि नहीं, सारी चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके फिलहाल आज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होने वाली, डिटेल होने वाली है। आज के बाद इस पर कोई वीडियो नहीं बनेगी, हाँ कंपेयर कर सकता हूँ। ये है एमआई का बैग। ओके तो क्या मिला था, कैसे मिला था, क्या क्या इसके साथ मिला था, तो रेडमी वालों ने कुछ भी फ्री नहीं दिया था सिवाय इसके, नहीं दिया था यार, गजब बेइज्जती है। तो ये दिया था उन्होंने चार्जर, टाइप सी के नाम पे इन्होंने बिल्कुल हमारा काटा है, लेकिन ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार। ये है रेडमी का चार्जर, मतलब साउमी का ये चार्जर। ओके और ये है डेल का, साइज में थोड़ा सा बड़ा है, पतला है। ये 65 वाट का है, ये 45 वाट का है, बट जहाँ तक बात रही सिमिलरिटी चार्ज होने की स्पीड वगैरह, काफ़ी हद तक सिमिलर है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? चार्जिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल जैसे सिमिलर चार्जर आता है वैसे ही चार्जर लो। मेरी तरह सिर्फ टाइप सी के पीछे मत भाग के चलना, नहीं टाइप सी इंपॉर्टेंट है, थंडरबोल्ट पोर्ट होना चाहिए। सिर्फ टाइप सी को देखकर पैसा स्पेंड करना मुझे नहीं लगता ठीक है, जबकि मैंने किया है। शाबाश बेटा। ओके तो ये है Xiaomi का Redmi Book Ultra। देखो यार बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, कोई कमी नहीं है बिल्ड में, बिल्ड अच्छी है। वन हैंड ओपन हो जाता है, मतलब ऐसे रख के ओपन करूँगा तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी वन हैंड ओपन हो जाता है ठीक है। तो ओपन होने में प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज होने में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे वर्क करना चाहिए वैसे ही वर्क करता है, नॉर्मली जैसे लैपटॉप वर्क करते हैं वैसे ही वर्क करता है। सवाल ये हो सकता है कि Xiaomi है तो क्या ब्लॉटवेयर वगैरह दे रखे हैं? हाँ, तो दो एप्लीकेशन हैं, दो तीन एप्लीकेशन हैं Xiaomi की, जिसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो, बिल्कुल विंडोज़ वाली फीलिंग आती है, नो प्रॉब्लम। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने ऐसी किसी कंपनी का लैपटॉप उठा लिया जिसका यूआई काफ़ी हद तक लोगों को इरिटेट करता रहता है, तो ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं आएगा। अब बात ये है यार, इसमें i5 है तो क्या वो i5 की तरह वर्क करता है? बिल्कुल वर्क करता है, बहुत स्मार्ट है, अच्छे से वर्क करता है, एज़ कम्पेयर टू i3 काफ़ी फास्ट है, और i3 300H है, स्पीड काफ़ी सही होती है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, जब हाई लेवल के टास्क यूज़ करते हैं हम, कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम रन करते हैं इसमें, तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, बैटरी खत्म होती है, ये है। और जब चार्जर लगा कर आप इसे यूज करते हो तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है। अच्छा अब हीटिंग इसमें क्या है कि अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं पूरी तरीके से, पहली बात तो वो ये पूरा 360 नहीं है और ना ही 180 है पूरा, आई थिंक 120 है ना, हाँ 120 होगा। ओके इतना है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दिखा कर ऐसे ही, क्योंकि फुल प्रोफेशनल मेरे पास कैमरा नहीं है और ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। देखो यार इसमें सिंगल फैन दिया गया है पीछे की साइड, पीछे की साइड में सिंगल फैन दे रखा है, और आपको लग सकता है कि पूरा पूरा फैन होगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, इसमें सिंगल फैन दिया गया है इस साइड। सो इस साइड तो ठंडा रहता है, मतलब जब भी आप यूज़ करते हो, मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो या फिर कोई भी हैवी प्रोग्राम रन करते हो, तो इस साइड तो हीट होता है तो कूल हो जाता है, बट इस साइड भी हीट होता है और वो जल्दी कूल नहीं होता ठीक है। और मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जब भी लैपटॉप हीट होते हैं तो वो फ्रंट साइड हीट होते हैं, लाइक यहाँ पर हीट होते हैं यहाँ पर, लेकिन ये हीट होता है सिर्फ यहाँ और यहाँ। ओके यहाँ पर आपको हीटिंग नहीं मिलेगी, बहुत स्लाइटली हीट मिल सकता है, वो भी काफ़ी देर तक अगर यूज़ करोगे आप तो। फिलहाल मैं इसे ओपन करता हूँ, अगर स्क्रीन वगैरह की बात कर लेते हैं तो स्क्रीन वगैरह ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। हीटिंग की जब मैं बात कर रहा था तो हाँ आपको हीटिंग मिलेगी, यहाँ पर काफ़ी हीटिंग होती है, और ये जो पीछे इन्होंने रखने के लिए दिया है बहुत थोड़ा सा बम्प, बहुत थोड़ा सा स्लाइटली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक है यहाँ पर एक है, जो कि मे बी इम्प्रूव किया जा सकता है, थोड़ा और ज़्यादा होता तो बेहतर होता, लेकिन अगर उसको ज़्यादा बड़ा कर देते तो वियर्ड हो जाता। इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक स्टैंड ले लो, टेबल ले लो, वो बेटर होता है, और मैं भी लूँगा पर्सनली। तो ये ओपन हो गया, यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट रखता हूँ तो ये कम्प्लीटली हो जाए, बेइज्जती कराएगा, गजब बेइज्जती है। योर पिन इज रिक्वायर्ड, ठीक है पिन डाल देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि लैपटॉप में फिंगरप्रिंट उतना प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है यार। हाँ फ़ोन को हम हमेशा ओपन करते रहते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंट का, बट लैपटॉप में की आई थिंक गुड ठीक है, आप पासवर्ड डाल के भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे विंडोज़ के लैपटॉप होते हैं वैसे होते हैं, फास्ट है नो डाउट, बिल्ड क्वालिटी बेहतर है, कंप्लीट पैकेज है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि रेडमी ने जितना देना चाहिए 59,999 में दिया है, बिल्कुल दिया है, झूठ बोल रहा है। और मैंने बताया था कि मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा, बताऊँगा भाई कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो देखो यार मैंने पहले भी कहा था कि लैपटॉप को इतनी इजीली यूज़ नहीं किया जाता, सिमिलर है, जो लोग भी लैपटॉप यूज़ करते हैं वैसा लैपटॉप ये है, बस फास्ट है ठीक है, फास्ट है। और क्या हाल है प्रतीक आईरीज ग्राफिक्स एक्सी का? यार अगर देखो तुमको वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा करनी है
गेमिंग करनी है तो प्लीज़ मत लेना इसे, प्लीज़ मत लेना। एनवीडिया के साथ जाओ बेहतर होगा यार, लेकिन इसके साथ जाओगे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसमें कोई गेम नहीं चला पा रहा, हाँ चाहता तो मैं सैन एंड्रियास वगैरह चला सकता था, लेकिन वो बहुत पुराने हो चुके हैं, मज़ा नहीं आता यार अब। लेकिन अगर आप चाहते हो गेमिंग के लिए तो इसको मत जाना। बाकी GTA 5 आज इसमें नहीं चला सकते, जुगाड़ लगा कर चल जाएगा, लेकिन जो ग्राफिक्स चाहिए GTA 5 की वो नहीं है इसमें। ट्राई किया इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की वजह से मैं इसमें नहीं चला पाया। इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आप इसके साथ जा सकते हो। आज की वीडियो मैं आपको ऐसी लिस्ट देने वाला हूँ जिसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग लैपटॉप बाय कर लोगे, ठीक है? तो वेट करो। मैं ये नहीं कह सकता कि यार कि ये न्यू कंपनी की है तो आपको परफॉर्मेंस स्लो मिल रही है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं मैंने नोटिस किया। बीच में हुआ था एक बार कि गलती से हम लोगों ने इसका जो ट्रैक पैड है वो लॉक कर दिया था, और मुझे क्या लग रहा था कि यार ये तो ख़राब हो गया, अब इसको रिटर्न करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था यार Xiaomi ने तो बेकार लैपटॉप दे रखा है, बिल्कुल नहीं ऐसा है। इसमें एक बटन दे रखी है F9, उसको प्रेस करने के बाद माउस पैड लॉक हो जाता है, वो हमने गलती से शायद कर दिया था और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि हर लैपटॉप में ये नहीं होता यार। लेकिन इसमें है और भी तरह तरह के फीचर्स हैं, जैसे नई नई की वगैरह हैं, और जब बात रही जहाँ तक ट्रैक पैड की, ट्रैक पैड भी काफ़ी बड़ा है, पाम रेस्ट के लिए काफ़ी बेहतर है। जिसकी की है वो भी देखा जाए तो एक बेहतर क्वालिटी की है, ठप ठप नहीं करती है, काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की। कुछ की होती है जो मतलब बहुत ही, उसमें गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है, उसकी वजह से क्या होती है उनकी जो आवाज़ होती है चट चट की वो उतनी अच्छी नहीं होती, और फील आ जाता है यार लोकल का। बट इसकी सचमुच प्रीमियम फील आती है। बिल्ड क्वालिटी से मुझे कोई शिकायत नहीं है यार, नहीं इस लैपटॉप से कोई शिकायत है, इसलिए ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरी नीड के अकॉर्डिंग वर्थ है। अगर थोड़ा मुझे ग्राफिक पर भी ध्यान देना चाहिए था, मुझे अब रियलाइज़ होता है, बट ठीक है यूज़ कर सकता हूँ मैं। आई थिंक मेरे लिए 3 ईयर्स काफ़ी होगा इसके साथ, आगे में भी क्या होगा वो देखा जाएगा, बट अभी के लिए ये मेरी नीड को सेटिस्फाई करता है। सारी चीज़ इसमें दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड को छोड़ दिया जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है इन 60,000। और यार इसी का एक लो वेरियंट है, क्योंकि तो रेडमी नोटबुक प्रो काफ़ी सिमिलर है, जिसके अगर आपको एक कॉम्पैक्ट चाहिए यार, 14 इंच से काम चल जा रहा है आपका, तो काफ़ी पैसों को आप सेव कर सकते हो अगर प्रो के साथ जाते हो। सारी चीज़ें सिमिलर दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले में फ़र्क है, तो इसको ध्यान रखना, अब आप उसके साथ जा सकते हो। और एक हॉरिजन एडिशन है जिसको एनवीडिया ग्राफिक्स चाहिए वो ले सकता है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो Xiaomi के साथ ही रहना चाहते हैं, जो Xiaomi के साथ नहीं रहना चाहते, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उनमें जा सकते हो। मैं खासकर रिकमेंड करता हूँ Asus को, उसके साथ भी जा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप चाहते हो तो डेल, HP इनके साथ जाओ, Lenovo के साथ जाओ, आपको एक ऑन साइट रिपेयरिंग वगैरह मिलेगी, एक वारंटी पीरियड काफ़ी अच्छी मिलती है, तो ये ध्यान देना। बट ध्यान देना, अभी मत बाई करना, जब तक ऑफर नहीं आता मत बाई करना। मैंने गलती की, मैंने बिग बिलियन डे से पहले ही से बाय किया, अगर बिग बिलियन डे में बाय करता तो मुझे एटलीस्ट 6,000 to 7,000 का प्रॉफिट हो सकता था। जल्दीबाजी मत करना, आराम से बाय करना, क्योंकि हम इसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए। ये उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा जो आईफोन यूज़ करते हैं, ये एंड्रॉयड यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग जब भी 70,000 to 80,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो वो लंबे समय के लिए करते हैं, मतलब 5-6 साल भूल जाओ, एटलीस्ट 3 साल तो यार भूल ही जाओ। तो सोच समझ के एक बेटर ऑप्शन चूज़ करना। रिक्वायरमेंट देखो, तुम्हें करना क्या है, एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है, कोडिंग करना है, करना क्या है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो। ऐसा नहीं कुछ भी उठा लाओ। इसे लैपटॉप में बिल्ड क्वालिटी उतनी मैटर नहीं करती जितना मैंने इसे देख कर लिया। आपका लैपटॉप ऐसा भी होगा तब भी काफ़ी सही है, प्लास्टिक है डेफिनेटली अच्छा है, अगर गिरता नहीं है आपसे तो। बैकलिट कीबोर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं। अगर आपको अंधेरे में काम करना पड़ता है, आप गांव में रहते हो, या फिर आपका वर्क ही है जो मतलब आप वहाँ लाइट नहीं रहेगी, चांसेस कम है लाइट की, या फिर लाइट चली जाती है, तो उस केस में आपको बैकलिट कीबोर्ड की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बैकलिट कीबोर्ड की ज़रूरत गेमर्स को होती है, नॉर्मल पर्सन को बैकलिट नहीं ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। फिंगरप्रिंट स्कैनर के पीछे बिल्कुल मत भागो, बहुत ही गंदी चीज़ है। हाँ आप एक्साइटेड होगे जब नया लोगे तो यूज़ करोगे। मैं भी जब आया था मतलब एक हफ्ते तो लगातार मैं पासवर्ड डालता ही नहीं था, अभी भी फिंगरप्रिंट ही यूज़ करता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, वर्क नहीं करता पहले जैसा। और उसके बाद यार डिस्प्ले 3.2 के इसकी डिस्प्ले नहीं, वर्थ नहीं है। क्यों? आप इसकी जगह HD+ या QHD+ के साथ भी जा सकते हो। ध्यान देना वो IPS डिस्प्ले हो, एक अच्छा व्यूइंग एंगल हो, इस पर ज़्यादा फोकस करो। ये नहीं कि 3.2 के डिस्प्ले है, बहुत बड़ी डिस्प्ले, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी आएगी, क्या करोगे इसमें, मूवी देखने के लिए ले रहे हो, फैमिली में थिएटर बनाओगे लैपटॉप का? नहीं ना, हम काम के लिए यूज़ कर रहे हैं उनके लिए। अभी ये मैं बता रहा हूँ, अगर नीड है 3K 4K की तो ले सकते हो यार, मॉनिटर लगा लो वो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं कीबोर्ड टाइप की, तो बहुत लोग नम पैड वाला कीबोर्ड उठा लेते हैं, बहुत लोग विदाउट नम पैड वाला, वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो, ठीक है? अगर नम पैड वाला कीबोर्ड उठाओगे तो जो अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक पैड होता है माउस पैड, वो अच्छा नहीं होगा। जैसे ये देखो, इसमें देख सकते हो नम पैड दिया गया है, आई होप दिख रहा होगा,
नम पैड इसमें दिया गया है, तो इसकी जो माउस ट्रैक पैड की अलाइनमेंट है वो थोड़ी साइड में है, जिससे क्या होता है पाम रेस्ट बेटर नहीं मिलता है। लेकिन जो ये लैपटॉप है इसमें नम पैड नहीं दिया गया है, देख सकते हो नम पैड नहीं है इसमें, लेकिन जो पाम रेस्ट है वो काफ़ी सही बनाया गया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के लैपटॉप की तरफ जाओ। ओके, अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड किसे लेना चाहिए? देखो अगर गेमर हो तो ग्राफिक कार्ड लो, वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा करनी है तब ग्राफिक कार्ड लो, अगर जस्ट कोडिंग करनी है और मतलब ऐसे ऑफिशियल वर्क करना है तो ग्राफिक कार्ड पर उतना फोकस मत करो, आईरिस भी बेहतर है, मतलब लो एंड ग्राफिक कार्ड ले लो। ग्राफिक कार्ड के बारे में तो जान लिए कि किसको क्या लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हाई मत जाओ, बहुत ज़्यादा लो मत जाओ। i3 जाते हो तो i3 का 11 जनरेशन लेटेस्ट कोई भी प्रोसेसर लो, लेटेस्ट लो। ओके, तो i3 का 11 जनरेशन लो अगर बजट तुम्हारा 40,000 के नीचे है। अगर 40,000 के ऊपर जा रहे हो तो i5 के नीचे मत जाना, i5 लेना। i5 का भी एटलीस्ट टेंथ जनरेशन होना चाहिए, 11 जनरेशन होता तो गुड, और अपने अकॉर्डिंग जो तुमको सीरीज अच्छी लगती है उसके साथ जाओ, नो प्रॉब्लम। कोई भी लैपटॉप बुरा नहीं होता यार, हम उसे कैसे यूज करते हैं ये डिपेंड करता है। और बाकी बात रही स्पीकर वगैरह की, तो स्पीकर पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। डॉल्बी का स्पीकर दिया है, हरमन कार्ड दे रखा है, इसका स्पीकर सुनोगे ना बहुत गंदा स्पीकर है इसका। लैपटॉप में तुम गाना सुनोगे, सॉन्ग सुनने के लिए उठा के लाया उसे। तो अपनी नीड देखो पहले, अगर तुमको लगता है हाँ मुझे स्पीकर की ज़रूरत है तो एडिशनली कनेक्ट कर लो, या फिर इसी में चाहिए तो बहुत सारे ऐसे लैपटॉप हैं जो अच्छे अच्छे स्पीकर दे रहे हैं तो उसको उठा लो। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करके उसके बाद जाओ। फाइनली डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, PDF है, उसको ओपन करोगे तो उसमें एक लिस्टिंग मिल जाएगी प्रोसेसर की और ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड जो बेस्ट होगा वो टॉप पे होगा, प्रोसेसर जो बेस्ट होगा वो टॉप पे होगा। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़ोन में हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर यूज़र है सभी को पता होता है। किसी से पूछ लोगे कि भाई 888 जैसे पता सबसे टॉप पे आया है, उससे पहले बायोनिक है, बट बायोनिक के बाद स्नैपड्रैगन 888 ही है, तो इजीली कोई बता देगा, है कि नहीं बाबू? तो ये चीज़ें होती है, लेकिन लैपटॉप में जल्दी पता नहीं चलता, इसलिए मैंने लिस्टिंग कर दी है नीचे, डिस्क्रिप्शन में जाओ ओपन करो, सेव कर लेना, फाइल काम देगा। ओके, आइडिया मिल गया एक लैपटॉप कैसे बाय करें। अभी मत करना, जब तक कोई ऑफर नहीं आता तब तक मत बाय करना। वीडियो में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यार, SSD के बारे में बताना भूल गया। SSD कंपलसरी है, चाहे जो लैपटॉप ले लो, बजट लैपटॉप लो, हाई एंड लैपटॉप लो, SSD कंपलसरी है। एटलीस्ट 256 GB SSD होनी चाहिए, और अगर तुम बहुत फास्ट परफॉर्मेंस नहीं चाहते तो SSD प्लस HDD कॉम्बिनेशन आता है, दोनों ले लो, ठीक है। 1 TB की HDD ले लो और 256 GB की SSD ले लो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप उसके साथ जा सकते हो। जो SSD उसमें अपने सॉफ्टवेयर विंडोज़ को रन कर लेना और फाइल वगैरह रख लेना, वरना मेरी तरह ले लोगे एक 2 TB का, मैंने वीडियो दे रखा है, आप जाओ चेकआउट कर सकते हो। और मैंने कहा था कि मैं अपडेट करूंगा आपको उसके बारे में, तो उसकी स्पीड डे बाय डे स्लो होती जा रही है। मैंने कहा था ना, अभी मैंने नया लिया है तो उसकी स्पीड क्या है, आगे चल के क्या होगी, तो हाँ स्पीड स्लो आ गई है, 30 Mbps आ गई है, 40 Mbps जाता है, तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है उसकी रीड राइट स्पीड। तो मुझे लगता है कि वो 30 Mbps के नीचे नहीं जाएगा और धीरे धीरे कम ही होगा, जितना वो स्टोरेज फुल होगी, 2 TB है तो बहुत बड़ी स्टोरेज है, वो धीरे डे बाई डे फुल ही होगी। तो यही होता है एक्सटर्नल ड्राइव में, आप इंटरनल ड्राइव के साथ जाना चाहो तो जा सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चाहिए तो। बाकी यही था वीडियो में, सोच रहे होगे कि बहुत कुछ बताने वाले थे लैपटॉप के बारे में, इसमें स्पीड और क्वालिटी छोड़कर आपको बाकी आई थिंक कुछ नहीं मिलता। बिल्ड क्वालिटी मस्त है, डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी वाइड एंगल इसकी मस्त है, 3.2 की डिस्प्ले। बाकी और कुछ इसमें बेहतर हो ऐसा मुझे नहीं फील लगा। बाकी यही था वीडियो में, खत्म हो गया Xiaomi के बारे में, नोटबुक अल्ट्रा के बारे में कम्प्लीटली इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा शेयर करो वीडियो यार, शेयर करो। ओके, बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट, काफ़ी दिन बाद बोलूँगा।